नंदगांव ब्लॉक से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होने पर कैबिनेट मंत्री एवं मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी की धर्मपत्नी सुंदरी देवी का सागवान चौपाल पर चांदी के मुकुट एवं नोटों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने जीत को जनता का आशीर्वाद बताया। कोसीकला ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्य कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का सागवान चौपाल पर चांदी का मुकुट और नोटों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। शुक्रवार की दोपहर गंगावान मोहल्ला स्थित सागवान चौपाल पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सागवान परिवार ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरदेव चौधरी की धर्मपत्नी सुंदरी देवी, नंदगांव ब्लॉक प्रमुख को चांदी का मुकुट 5100 रुपए की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं श्रीमती देवती चौधरी जिला पंचायत सदस्य का चांदी का मुकुट 31000 रुपए, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का चांदी का मुकुट 51000 रुपए, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरदेव चौधरी को चांदी का मुकुट 31000 रुपए की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि महिलाओं के इन पदों पर नव निर्वाचित होने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह जनता के सम्मान के लिए कार्य करेंगी व विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। इस मौके पर स्वागत करने वालों में इंदर सिंह सागवान सहित आदि लोग मौजूद रहे। ये पहली बार नहीं है छाता क्षेत्र में, लगातार 3 बार से हमेशा निर्विरोध ही प्रमुख हो रहे हैं, कभी चुनाव नहीं हुआ। नंदगांव में 3 बार से लगातार, पहले वीरेंद्र हुआ, फिर एससी की सीट आ गई, फिर अब के सुंदरी हुई, इसके बाद छाता में 2 बार से महेंद्र सिंह थे, अब के तीसरी बार महेंद्र सिंह की पत्नी है, पहले वहाँ चौमा में पातिराम निर्विरोध थे, अब जो शोभाराम निर्विरोध हुए, उससे पहले एससी की सीट थी वो निर्विरोध हुए। हमारे क्षेत्र में पूरे आगरा मंडल में ये अकेली विधानसभा ऐसी है कि जो पंचायत और परंपराओं की संस्कृति आज भी यहाँ जिंदा है, इसलिए हर बार लगातार 3 बार से यहाँ निर्विरोध हमारे तीनों ब्लॉक प्रमुख होते हैं। ये सब जनता का आशीर्वाद है, ये योगी जी की और मोदी जी की लोकप्रियता है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारे नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हैं वो सभी जनता की सेवा उसी भावना से करेंगे जिस भावना से जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है। देखिए, कल ही छाता विकासखंड और नंदगांव विकासखंड और चौमा विकासखंड, छाता विधानसभा के तीनों विकासखंड निर्विरोध निर्वाचित संपन्न हो गए, जिसमें एक में मेरी पत्नी सुंदरी देवी और एक में मेरे साले की पत्नी कविता जी, और तीसरे में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार जीते हैं। चुनाव संपन्न हो जाने के बाद समर्थकों में बहुत खुशी की लहर थी, बस उस खुशी की लहर के चलते आज हमारे उसी कला के निवासियों ने यहाँ घर पर आमंत्रित करके स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखा, जिसमें माननीय मंत्री जी को बुला के उन्होंने मोहल्ले और नगरवासियों की जो प्रमुख समस्याएँ हैं उनसे अवगत कराने का काम किया है।